अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, के मनाचो, के मचो, कैसे काई, कैसे वाल, लवली पीपल। आज मैं आप सभी के साथ मान्या व्लॉग्स का मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक लेकर आई हूँ। लास्ट ईयर से मान्या व्लॉग्स पर रिक्वेस्ट आ रही है, प्लीज़ दी जो आपका इस्लामिक जर्नी है, निकाह के बाद क्या आपने इस्लाम को फॉलो किया, क्या आपने नमाजें पढ़ी, क्या आप पढ़ती हैं तो आपने ये सब कैसे सीखा, क्या आप क्या क्या पढ़ती हैं, आपने इस्लाम की स्टडी कैसे करी, सब कुछ आप मुझे पूछना चाहते हो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे मान्या व्लॉग्स, मान्या पैशन के जो सब्सक्राइबर्स हैं, नॉन सब्सक्राइबर्स, साइलेंट सब्सक्राइबर्स, इवन बहुत सारे लोग जो कॉमेंट करते हैं कि आप दोनों का बॉन्डिंग इतना ज़्यादा अच्छा है तो कहाँ ज़रूरत पड़ी कन्वर्ट होने की, क्या कन्वर्ट होना ज़रूरी था। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊँगी कि महज इस्लाम ही ऐसा मज़हब है जिसमें ये चीज़ क्लियर लिखी हुई है कि वेडिंग मीन्स निकाह के लिए दो लोगों का मुस्लिम होना कंपलसरी। ठीक है, तो इंसान गलत हो सकते हैं, मज़हब और हमारे जो ग्रंथ होते हैं लाइक भगवद गीता, गुरु ग्रंथ, कुरान पाक, ये कभी गलत नहीं हो सकते। जो चीज़ हमारे मज़हब में लिखी गई है वो सच होती है और उसको फॉलो करना होता है। तो इस्लाम में जब ऐसा है कि दो लोगों का मुस्लिम होना कंपलसरी, तो मतलब आप कन्वर्ट होते हो। अब कन्वर्ट होना मीन्स व्हाट, मतलब कन्वर्ट होते टाइम क्या आपको लेक्चर सुनाए जाते हैं, क्या ब्लड चेंज किया जाता है, कि आपकी सोच चेंज की जाती है, कि आपको चेंज किया जाता है, कि आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कन्वर्ट होना मीन्स व्हाट यार, बस आप बैठते हो निकाह से पहले, आप एक कलमा पढ़ते हो, मीन्स आप कन्वर्ट हो गए वो पढ़कर, और उसके बाद आपको निकाह पढ़ाया जाता है, मीन्स आप कन्वर्ट हुए हो। लेकिन कन्वर्ट होना सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आपने कलमा पढ़ लिया और आप कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट होने की जो डेफिनेशन है वो होती है फेथ, जो आपका इस्लाम पर आता है, अपने रब पे आता है, अल्लाह पे आता है। तो सबसे अच्छी डेफिनेशन होती है फेथ। तो ये तो यार मैंने हिंदू बहुत से लोग देखे हैं जो बाबा पीर लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, दरगाहों में जाते हैं, मन्नतें मानते हैं, तो वो क्या होता है, मतलब वो सिर्फ आपका फेथ होता है। ठीक है, तो वो लोग क्या ये सब करने के लिए पहले नमाज पढ़ते हैं, मुस्लिम बनते हैं, उसके बाद फेथ? दुनिया में एक ऐसी चीज़ है, अगर आप मानो तो सब कुछ है, अगर आप ना मानो तो कुछ भी नहीं। तो बस कन्वर्ट होना मीन्स यही होता है कि आपका फेथ होता है जो मेरा सिर्फ मेरे रब पे है, दैट्स इट। तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स नए हैं या जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन सभी को बता दूं कि मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एक जाट फैमिली, सिद्धू ब्राट फैमिली से, और मेरे घर में मेरे मॉम है, डैड है, मैं, दो बहनें हैं, सब मैरिड हो चुके हैं। इवन जो हमारी सेकेंड जनरेशन है वो भी उग चुकी है, उग क्या चुकी है, उड़ रही है। और आज वो दिन है कि हम सब एक हैं, और मेरे डिसीजन पर मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। बहुत ज़्यादा टफ था सिख फैमिली से मुस्लिम फैमिली में आना, शादी करना। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो मेरी लव स्टोरी वाले वीडियो में सारी ही डिटेल आपको मिल जाएगी, मैं कमेंट पिन कर दूंगी, इवन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके चेक कर लें। तो शादी तक आपने देखा मेरी लव स्टोरी में, उसके बाद ऐसा हुआ कि लकी के घर से कॉल आई उनके अंकल की कि नाउ निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा कोर्ट मैरिज हुआ था। सडनली डिसाइड हो गया विद इन 2 or 3 days में, जो हमारी निकाह डेट थी वो निकल गई। तो जो हमारा निकाह डेट था वो 25 दिसंबर था, आफ्टर मगरिब हमारा निकाह जो था वो तय हुआ था कि होगा। ऐसा हुआ कि 25 दिसंबर को हमारा जो निकाह था वो आफ्टर मगरिब हो गया, और जब तक मुझे कुछ नहीं पता था इस्लाम मीन्स व्हाट, नमाज क्या, सूरे क्या, इस्लाम को फॉलो क्या करना है। मैं आपके साथ आगे आगे अपने वीडियोस में और भी चीज़ें शेयर करूंगी कि फर्स्ट टाइम मुस्लिम फैमिली को देखना, उनके बीच रहना, मेरा क्या मतलब एक्सपीरियंस था, मैंने कैसा फील किया, सारा कुछ। लेकिन आज हम सिर्फ प्रॉपर इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि तब तक मैं कुछ नहीं जानती थी इस्लाम मीन्स व्हाट, ना मुझे कुछ पढ़ना आता था, ना मुझे कुछ मालूम थी, मुझे छोटी मोटी कोई भी चीज़ इस बारे में नहीं पता थी। निकाह हो गया और बहुत अच्छे से जैसे हम रहते थे पहले, बस वैसे ही हमारी लाइफ जा रही थी। सडनली 2.5 months के बाद हमारी ज़िंदगी में लकी और मैंने कुछ ऐसा फेस किया कि मतलब ये भी चीज़ मैं अपने स्ट्रगल पीरियड में आपके साथ शेयर करूँगी कि इतनी बड़ी मुसीबत आ गई कि लकी और मेरे को बिल्कुल अलग रहना पड़ा। मैं अलग रही, लकी अलग रहे, ये जो गैप था ये हमारा कुछ 4 to 5 months का था। और इन 5 months में ऐसा हुआ कि तो होता है जब आप हस्बैंड के साथ रहते हो, न्यूली होते हो, तो बड़े घूमना फिरना, मौज मस्ती में रहते हो, लेकिन अगर आप किसी दुख को फेस कर रहे हो और वो भी आप दोनों अलग रह रहे हो, तो ये ऐसा वक्त होता है कि आप खुद को वक्त देते हो। और मैं तो ये कहूँगी कि शायद ये वो वक्त था जो मेरी ज़िंदगी में आजमाइश का वक्त था। ऐसा वक्त था कि मैं बहुत क्लोज आई इस्लाम के, मैं या आप कह सकते हैं कि अल्लाह ने मुझे अपनी तरफ खींचा है। और सच में जब तक आपका रब आपको अपनी तरफ नहीं खींचता, आपकी औकात नहीं है कि आप एक कदम भी आगे बढ़ा जाओ। तो ये वो वक्त था जब मैंने इस्लाम को धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने नमाज खुद से, मतलब दूसरों को कहा कि कैसे पढ़ते हैं मुझे बताओ,
निषाद करके एक फ्रेंड थी मेरी, उससे ही बात हुई और उसने मुझे जो सूरे थे वो निकाल कर दिए, लिख कर दिए। तो मैंने खुद से जो सूरे थे वो सबसे पहले लर्न करना स्टार्ट किए और मैंने जो नमाज का तरीका था उसे लर्न किया खुद से। कोई मौलाना, मुफ्ती, कोई क्लासेस, मदरसा मैंने कुछ नहीं किया। जब मैंने खुद से ये चीज़ की चाह अपने अंदर रखी कि मुझे सीखना है, तो मैंने जो नमाज के तरीके, सूरे, सारी चीज़ें लर्न करना स्टार्ट की और माशाल्लाह जो मेरी स्पीड थी लर्न करने की वो इतनी अच्छी थी कि मैं बस 2 और 3 दिन में बहुत अच्छी से चीज़ों को लर्न कर लेती थी। विद तर्जुमा मैंने हर चीज़ें पढ़ना जो थी वो स्टार्ट करी। तो विद इन 15 डेज ऐसा हो गया कि मैं नमाज में एक्सपर्ट हो गई, जहाँ मैंने सीख लिया कि नमाज कैसे पढ़नी है। अब उसके बाद था सूरे और हर दुआएँ जो होती है, लाइक सफ़र की दुआ, खाने की दुआ, सोने की दुआ। इस्लाम में मैंने देखा है इतनी सारी दुआएं हैं कि आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन आपको सीखने के लिए इतना कुछ है। नमाज थी जब मैंने वो पढ़ना सीखा, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि लकी की सिस्टर की बेटी थी वो और मैं, हम दोनों फर्स्ट टाइम एतकाफ़ में बैठे, जो 3 दिन का होता है, और वो हमने घर पर किया। तो एतकाफ़ में जब हम बैठे तो हमें नमाज़ों की पाबंदी उसमें करी, और वो मैंने नमाज़ें अच्छे से सीखने के बाद एतकाफ़ किया। जब एतकाफ़ किया वो 3 दिन ऐसे थे कि कंटिन्यू मैं कुरान शरीफ पढ़ती रही, यासीन शरीफ पढ़ती रही मैंने, और भी बहुत सी दुआएं, और भी बहुत सी हदीसें जो कि बुक्स में थी मैंने वो सारी पढ़ी विद तर्जुमा। तो ये वो 3 दिन थे कि मेरे कानों में सिर्फ अजान की आवाज़ें आने लगी थी, ट्रस्ट मी, सीरियसली। और मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा अच्छा था कि जो तकलीफ़ की वजह से मैं इस्लाम के करीब आई, मैंने नमाजें सीखी, पढ़ाई करी, उसका जो रिजल्ट बोलते हैं, उसका जो सिला बोलते हैं कि वो सारी परेशानियाँ ऐसे जादू की तरह ख़त्म हुई और लकी और हम फिर से मिले। देन मुझे आज भी याद है जो आयतल कुर्सी होती है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो लकी ने मुझे एक ऐसे होता है पारा सा वो दिया था जिस पर आयतल कुर्सी हिंदी में विद अरबी जो वर्ड्स होते हैं लेकिन हिंदी में थे, वो मुझे दिए थे। तो मैं डेली रात में सोते टाइम 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ती थी और एक दिन सडनली ना मैंने वो उठाई भी नहीं और आयतल कुर्सी पढ़ ली। तो जब मैंने पढ़ ली तो मुझे लगा कि मैंने सही पढ़ी, तो मैंने फिर से पढ़ी, तो मैं फिर शॉकिंग हो गई कि मैंने पढ़ ली। तो ये फर्स्ट था कि मतलब मैं आयतल कुर्सी बिना देखे खुद से पढ़ रही थी। तो मैंने लकी को सडनली कॉल किया, लकी नागपुर में थे, और मैंने उनको बताया कि मुझे आयतल कुर्सी लर्न हो गई और मैं बहुत खुश थी। बट लकी को बिलीव नहीं हुआ कि हैं इसने कैसे लर्न कर ली। तो जब मैंने लकी को आयतल कुर्सी पढ़ के सुनाई फटाफट फ़ोन चालू पे ही, तो लकी बड़े खुश हुए। ऐसे छोटे छोटे मेरे एक्सपीरियंस है कि मैं खुद से जो था वो इस्लाम की तरफ, दुआओं की तरफ, चीज़ों की तरफ, मेरा ट्रस्ट था, मेरा फेथ था कि मैं खुद इन चीज़ों को लर्न करी। मुझे खुद को था कि मुझे ये सब आना चाहिए, मुझे खुद को था कि कभी परेशानी आई तो मेरे लिए दुआ कौन पढ़ेगा। तो ये जो चीज़ें होती है, ये चीज़ें खुद से मेरे अंदर आई, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें अगर अल्लाह आपको अपनी तरफ खींचता है तो ये खुद से ही आपके अंदर आती है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनकी फैमिलीज आई थिंक सपोर्टिव होती है, या पॉसिबल हो सकता है कि वो मदरसा ज्वाइन करें, मदरसा जाके जो है तालीम पूरी ले, तो वो ये और भी अच्छी बात है कि वो उनको एक सीखने के लिए एक टीचर मिल जाता है जो आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस करता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप ये चीज़ें खुद से सीख सकते हो, आप खुद से आगे बढ़ सकते हो, इस्लाम की पढ़ाई कर सकते हो, नमाज़ें पढ़ सकते हो, मतलब जो चीज़ें फ़र्ज है, जो ज़रूरी है आपकी आने वाली जो जनरेशन होती है, आपके बच्चे होते हैं, क्योंकि एक माँ ऐसी होती है मुझे लगता है फैमिली में जो खुद अगर फॉलो करती है तो आपके बच्चे करते हैं। फादर दिन भर घर पर नहीं होते। लकी ने मुझे कभी नमाज के लिए फोर्स नहीं किया, लकी ने मुझे कभी नहीं कहा तुम ये पढ़ो, ऐसे रहो, ये करो, वो मत करो। लकी को मेरा ख्याल है कि ये करने का वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि मैं इतने जल्दी खुद को ढाल लिया मैंने, हालांकि मेरी लैंग्वेज वही है, मेरा जो नेचर है वो वही है, लेकिन जो फॉलो करने वाली चीज़ें होती हैं, लकी को कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि तुम अब नमाज सीखो या तुम दुआएं सीखो, ये सारी मैंने खुद से ही सीखी हैं। और हदीस का ऐसा होता है कि हदीसें तो आप जब किसी बड़ों से मिलते हो, मुस्लिम जो होती है ग्रुप में बैठते हो, तो आपको हर दिन कुछ सीखने को मिलता ही है, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ नया होता है। लकी और मैंने बहुत सी आजमाइशें जो हैं उसे फ़ेस किया है, जो हमारे करीबी है, जो हमारे रिलेटिव है, वो जानते हैं कि मैंने बहुत सी ऐसी आजमाइशों से गुजरा है, बहुत इतने डिफ़िकल्ट मैं दिनों से निकली हूँ जहाँ लकी भी मेरे साथ नहीं रहे और मैंने लकी का साथ एक आदमी बन के दिया है। और मैंने देखा है कि ये सारी चीज़ों में जो मेरी ताकत है वो सिर्फ मेरा रब बना है। मैंने अपने रब के अलावा कभी किसी पर भरोसा नहीं किया, कभी मैंने किसी से उम्मीद नहीं रखी। दैट्स वाई आज मैं इतना आगे हूँ, सक्सेसफुल हूँ और अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। फ़र्स्ट टाइम जब लकी 4 to 5 मंथ के बाद, जो तकलीफ़ के पीरियड के बाद हम मिले, और जब लकी आए और हम जब साथ में थे, तो लकी ने मुझे फ़र्स्ट टाइम नमाज़ पढ़ते हुए देखा था। जब मैंने पूरी नमाज हो गई और जब दुआ करने के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि लकी ऐसे साइड में ऐसे ही बैठे हुए हैं और मुझे देख रहे थे, और मैं उनको ये देख रही थी कि ये क्यों ऐसे आके बैठ गए। मुझे नहीं पता था कि मुझे नमाज़ पढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो वो फ़र्स्ट टाइम था जब लकी ने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा था,
और वो वक्त मुझे आज भी याद है, लकी का फेस मुझे आज भी याद है कि वो देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश थे। इस्लाम से जुड़ी ऐसी बहुत सी यादें हैं मेरी कि जो मुझे आज भी अगर याद करूँ तो मेरी नज़रों के सामने आ जाती है। इस्लाम में आने के बाद, मुस्लिम फैमिली, मुस्लिम कल्चर में आने के बाद मुझे छोटी छोटी चीज़ें जो थी उससे मेरा एक्सपीरियंस क्या था, अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। उनके भी सवाल थे कि आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो हाँ मैं दिल से फॉलो करती हूँ। मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत से नवाजा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत से बॉर्न मुस्लिम्स हैं जिन्हें मैं देखती हूँ कि मुझे जब उनको देखती हूँ तो खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड होता है कि हाँ मैं आज कईयों से बहुत अच्छी हूँ। मेरा इस्लामिक जर्नी ऐसा नहीं है ख़त्म हो गया, मेरा इस्लामिक जर्नी हर दिन कुछ नया लाता है, मैं हर दिन कुछ नया सीखती हूँ। अगर आपके कुछ भी सवाल होते हैं, आपकी कुछ भी क्वेरीज होती हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मान्या ब्लॉग्स पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मेरे डेली ब्लॉग्स मैं लाती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं पर्सनली आपके साथ चिट चैट करती हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्दी मेरे और लकी के ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना